Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Dr. Nilam Official. I am Doctor of Medicine. Viewers, आज मैं आपके साथ रिव्यू करूँगी सिफिम कैप्सूल्स 400 mg के बारे में कि सिफिम कैप्सूल्स को आप किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका डोज़ क्या है, इसको साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. तो सिफिम कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे. तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं सिफिम कैप्सूल्स का रिव्यू. व्यूअर्स, सिफिम कैप्सूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिफिक्साइम पाया जाता है. सिफिक्साइम जो कि एक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है. सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करती हैं या बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं. इस तरह ये तमाम इन्फेक्शंस में इस्तेमाल की जाती हैं. उसके अलावा बच्चों के लिए सिफिम सस्पेंशन भी अवेलेबल होती है. दोनों का सेम ही यूज़ है, लेकिन सस्पेंशन बच्चों में इस्तेमाल की जाती है और कैप्सूल्स बड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन मैं आगे वीडियो में आपको बच्चों के लिए भी डोज़ बताऊँगी और बड़ों के लिए भी डोज़ बताऊँगी. तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं सिफिम के बेनिफिट्स की और यूज़ की कि सिफिम सस्पेंशन और कैप्सूल्स को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. तो व्यूअर्स, इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा इसको ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है. आपके कान के अंदरूनी हिस्से में कोई सोजिश हुई है, स्वेलिंग हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, इसको उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है. इसको साइनोसाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है. साइनोसाइटिस जिसमें आपके नाक में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा सिफिम कैप्सूल्स और सस्पेंशन को टोन्सिलाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है. टोन्सिलाइटिस यानी टोन्सिल्स जो आपके गले के दूध होते हैं उनमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गले में पेन रहती है, बुखार भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी सिफिम कैप्सूल्स और सस्पेंशन इस्तेमाल की जाती हैं. उसके अलावा फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस भी गले का इन्फेक्शन है जिसमें आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, गला ख़राब हो जाता है, इसमें भी सिफिम सस्पेंशन या कैप्सूल्स को इस्तेमाल किया जाता है. इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस भी लंग की एक इन्फेक्शन है. ब्रोंकाइटिस में आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए यानी उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. मसाने में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फिर यूरिन आपको बहुत ज़्यादा जलकर आता है. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी सिफिम या सिफिक्साइम बहुत ही ज़्यादा मुफीद है. उसके अलावा इसको गोनोरिया में इस्तेमाल किया जाता है. व्यूअर्स, गोनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि अनसेफ इंटरकोर्स की वजह से होती है, जिसमें आपकी पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ज़ख़म भी हो जाता है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो यूरिन के साथ खून भी आता है. तो इस कंडीशन में भी सिफिम या सिफिक्साइम बहुत ही ज़्यादा मुफीद पाया गया है. उसके अलावा इसको टाइफाइड फीवर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. व्यूअर्स, अगर हम इसके डोज की बात करें तो व्यूअर्स, सिफिक्साइम कैप्सूल या सिफिम कैप्सूल 400 mg अगर एडल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम सिफिक्साइम सस्पेंशन की बात करें यानी सिफिम सस्पेंशन की, तो 1 से 4 साल के बच्चों के लिए 1 चम्मच रोजाना, 5 से 9 साल के बच्चों के लिए दिन में 2 चम्मच रोजाना, और 10 से 12 साल के बच्चों के लिए दिन में 3 चम्मच रोजाना. ये थी इसकी डोज. तो व्यूअर्स, अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि डायरिया, डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी, एब्डोमिनल पेन, पेट में गैस हो जाना, नोज़िया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, हेडेक हो जाना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो व्यूअर्स, ये थे तमाम इन्फॉर्मेशन सिफिम कैप्सूल्स और सस्पेंशन के बारे में. अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.